आज निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी के आने वाले हैं नतीजे और वो है आपके लिए अल्ट्राटेक। कैसे रहेंगे अल्ट्राटेक के दिसंबर तिमाही के नतीजे बता रहे हैं हमें कुशल। कुशल बताइए सर, यहाँ पर नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो कॉस्ट इनकर करते हुए आ रहे हैं, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं इनकी जो ओवरऑल रियलाइजेशन है उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। बट डेफिनेटली आप सबसे पहले देखिए, आय करीबन 4.5% ही बढ़ती हुई नजर आएगी, 12,405 करोड़ पर कंपनी आय घोषित कर सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां पर काफी डीप कट आ सकता है, 24.8% से घटकर 19.5% का अनुमान जो है हमारा मार्जिन्स का है। साथ ही कंपनी के जो मुनाफा है वहां पर भी करीब 26% की गिरावट के साथ 1150 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था, यहां पर 5% की गिरावट का हमारा अनुमान है। हालांकि थोड़ा सा रियलाइजेशन, क्योंकि हम देख रहे थे कि प्राइस भी इंक्रीज होते हुए नजर आए थे, तो उससे रियलाइजेशन थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आएगा। बट लार्जली जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन होती हुई नजर आई है वो इसको ऑफसेट करता हुआ दिखेगा, एंड इसी वजह से ओवरऑल जो मुनाफे में करीब 26% की गिरावट आ सकती है। तो नेट नेट स्टैंडर्ड आधार पर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो तो कमजोर साइड पर ही दिख रहे हैं। ओके, तो कमजोर नंबर्स आने की आशंका है अल्ट्राटेक सीमेंट से, लेकिन जल्द से पहले क्या कोई ट्रेड बनता है अल्ट्राटेक सीमेंट में, जरा जय ठक्कर से जान लें। जय बताइए, अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा कमजोर तो है? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हमें शॉर्ट बिल्डअप भी देखने मिला है अनिल जी, और अगर रिजल्ट सरप्राइज करते तो हमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी अल्ट्राटेक सीमेंट में, एंड एक रेंज में ये स्टॉक हमें देखने मिला है। तो नो ऑन द डाउन साइड करीब अनिल जी 7500 के आसपास एक सपोर्ट है, जबकि ऑन दी अपसाइड अराउंड 7700 के आसपास। सो ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि बिल्डअप हुआ है नहीं। सो इसमें करना ये चाहिए कि अगर किसे लॉन्ग करना है तो 7700 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो श्योरली शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी और एक ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा जो ये स्टॉक को 8100 तक लेके जा सकता है। फेलिंग टू क्रॉस 7700 अनिल जी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस देखने मिलेगी। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वैसे पिछले हफ्ते हमने देखा सीमेंट स्पेस भी एक्टिव था और अल्ट्राटेक लीड भी कर रहा था। आज देखते हैं नतीजों पर किस तरह का रिएक्शन रहेगा।